करनाल में 3 पॉजिटिव केस आने के बाद प्रशासन और सख्त हो गया है। आपको बता दें कि लॉकडाउन 3 में कुछ डील देने के बाद ही करनाल में कोरोना वायरस के 3 पॉजिटिव केस सामने आए। इन केसों को लेकर प्रशासन पूरी तरह से चौकस हो गया। सोमवार को 2 केस सामने आए, जिनमें एक सब्जी विक्रेता था जो पृथ्वी विहार इलाके का रहने वाला था। वहीं दूसरा कोरोना पॉजिटिव मरीज दिल्ली से आया था, जो कि करनाल में रामनगर इलाके में रहता था। वहीं न्यू उत्तम नगर नजदीक सेक्टर 6 करनाल में मंगलवार को कोरोना का एक और कोरोना पॉजिटिव केस सामने आया है। आपको बता दें कि इस मामले को देखते हुए एहतियात के तौर पर आदेश जारी किए गए हैं कि न्यू उत्तम नगर मकान नंबर 21 नजदीक गली नंबर 14 मकान नंबर 17 से लेकर 25 तक के पूरे क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। इसके अलावा न्यू उत्तम नगर वार्ड नंबर 4 को बफर जोन घोषित कर दिया गया है। जिलाधीश के आदेशानुसार हालात से निपटने के लिए एक एक्शन प्लान तैयार किया गया है। इसके तहत इन क्षेत्रों के सभी संदिग्ध व्यक्तियों की जांच टेस्ट करने के साथ साथ उन्हें क्वारंटाइन आइसोलेशन और सामाजिक दूरी में रखा जाएगा। इसके लिए विभिन्न विभागों के अधिकारियों को अलग अलग प्रबंधों की जिम्मेवारी दी गई है। विदित है कि पहले सुबह 8 से 2 बजे तक पूरा बाजार खुला था, लेकिन अब मेन बाजार करण मार्केट को प्रशासन ने सम विषम के आधार पर खोलने का फैसला लिया है। आपको बता दें कि लॉकडाउन में छूट मिलने के बाद प्रशासन ने बाजार को सुबह 8 से दोपहर 2 बजे तक खोल दिया था, जिसके चलते बाजार में भीड़ जुट गई, लोग बेवजह घर से बाहर आ गए। यहां आपको बता दें कि मेन बाजार करण मार्केट को सम विषम के आधार पर प्रशासन ने खोलने का फैसला लिया है। बताते चले कि उत्तम नगर में डीएसपी राजीव कुमार ने सभी प्रबंधों का जायजा लिया और परिजनों को कहा कि पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है, जो भी केस आ रहे हैं वह जल्द ही ठीक होकर वापस घर आ रहे हैं, इसलिए एहतियात के तौर पर वह अपने घरों में ही रहे और अगर आसपास कोई भी केस दिखाई देता है तो उसके प्रशासन को सूचना दे। वहीं मौके पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने पहुंचकर आसपास के घरों के सैंपल भी लिए और पुलिस द्वारा उत्तम नगर में बैरिकेड कर लोगों को जागरूक करने का काम किया जा रहा है। फिलहाल समाचार एक्सप्रेस लोगों से आह्वान करता है कि मामला गंभीर होता जा रहा है, इसलिए घरों में ही रहकर इसको हराने का काम करें, ताकि हम वहां अपने आसपास के लोगों को सुरक्षित रह सके और खुद भी सुरक्षित रह सके। देखिए एक रिपोर्ट। बिल्कुल, सारे बाजार वाले भाई बंधुओं से प्रार्थना है विनम्र कि प्रशासन जो भी कर रहा है वो आपके भले के लिए, आपके सुख के लिए कर रहा है। जो भी चाह रहा है प्रशासन की ये मनसा या ये नहीं है हमारी आपके पास कस्टमर ना आए या आपकी दुकानें ना खुले। हम भी चाहते हैं सारा सुचारू रूप से चले और बढ़िया तरीके से चले, आप भी खुश रहे और सारा कुछ खुश हो, कस्टमर भी हो। पर देखिए व्यवस्था को बनाने में कुछ टाइम लगता है। कल फर्स्ट डे था, कल कुछ और था, पर कल आपके देखने में आया कि भीड़ भाड़ बहुत थी, जिसे आज ऑड इवन किया गया। ये एक ट्रायल के रूप में है, अगर ये अच्छा होगा बढ़िया होगा तो इसको लगातार चलाया जाएगा। अगर इसमें रिजल्ट देखे जाएंगे आज शाम को, अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आई तो इसको चेंज करना पड़ा तो चेंज भी किया जाएगा। आप सभी संयम बनाकर रखें, मेरी आपसे पहले भी प्रार्थना थी, अब भी यही प्रार्थना है। अब इन दिनों में कमाने की ना सोचे, जीने की सोचे, थोड़ा हमारे साथ सहयोग बढ़ाएं। प्रशासन के पास बहुत बड़ी जिम्मेदारी, डीसी एसपी साहब के पास बहुत कुछ सोचने को, बहुत बड़ी जिम्मेदारी पूरे शहर का। एक खाली एक बाजार या एक दुकान के लिए अगर इतना ज़्यादा वो करेंगे तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। हो सकता है कि ये अगर हमारे दिक्कत आई या हमारे काबू से बाहर हुआ तो ऐसा कोई डिसीजन दे दे, इनको बिल्कुल लॉकडाउन का भी दे दे, पर हम उस व्यवस्था के साथ चले, उसे ऐसे बनाए रखें कि ऐसा कोई डिसीजन ना है कि बंद हो, कल ऐसे खुली रहे, आराम आराम से कस्टमर आते रहे और आपके दुकानदारी भी चलती रहे और कस्टमर भी अपना काम करें। बैरिकेडिंग के विषय में थी वो भी हमने दूर कर दी है, अब उनके साथ मिलके हम 7 बैरिकेडिंग करा रहे हैं और वो सारी से सर, 2 व्हीलर्स तो अंदर अलाउड नहीं होने चाहिए, ये बात करी थी दुकानदारों ने, 2 व्हीलर्स अंदर अलाउड नहीं हो रहे हैं, वो दुकानदार उस पर एग्री कर रहे हैं, सहमत हो गया उस बात पे, तो अब क्या बातचीत की जाएगी? नहीं, अब कोई वो फाइनल हो चुका है, ओड इवन चलता रहेगा, बैरिकेटिंग हमने उनसे डिस्कस कर लिया है, उन्होंने सारी बता दी है। दूसरे शहर के दुकानदार और बाजार वालों के लिए क्या मैसेज देना चाहिए? नहीं, उनके लिए भी यही मैसेज है, जो ओड इवन है बेसिकली या ट्रायल है, हम इसको पूरे शहर पे शायद लागू करें आगे अगर ये सक्सेसफुल रहता है, क्योंकि हमें इकोनॉमी भी चलानी है और बीमारी से भी बचना है, महामारी से, तो दोनों चीजें साथ साथ लेके चल। सर कल बगैर मतलब के लोग काफी बाहर आए थे, मामले काफी पॉजिटिव सामने आ रहे हैं, तो लोगों से अपील करेंगे कि बगैर मतलब के ना आए, कहीं ना कहीं कोरोना में फंस सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोगों से अपील करना चाहेंगे कि शांति प्रिय तरीके से और बिल्कुल ज्यादा बाहर निकले, कोई जरूरत है तभी बाहर आए। सर दुकानदारों को मीटिंग हुई है हमारी, उन्होंने कहा कि नगर निगम वाली पार्किंग हमें दे रहे हैं और बैरिकेड छोटे छोटे दूर करवा रहे हैं हम, और ओडी वन 2 दिन के लिए हम अभी लागू कर रहे हैं, हमें देख के बाकी सारे शहर में लागू किया जाएगा। ये यहाँ की व्यवस्था अगर हमारी ठीक कामयाब हो जाती है तो प्रशासन ने कहा कि हम सारे शहर में लागू करेंगे। अंदर दोपहिया वाहन तो नहीं आने देंगे अभी?
अभी फिलहाल? अभी फिलहाल तो उन्होंने कहा है कि नगर पार्किंग वहाँ लगा लो और ना आए जाए तो बेटर रहेगा। नगर निगम के अंदर वहाँ बात कर रहे हैं? हाँ जी, नगर निगम में लगवा रहे हैं और सब्जी मंडी के पास पार्किंग लगेगी हमारी। बस यही है, दो दिन के लिए देख लेते हैं, अगर हमारा ठीक यूज हो जाता है, सारे शहर में लागू हो जाता है तो हम तैयार हैं। साथ तो देना पड़ता है आपको अगर। सभी को मेरा नमस्कार। करनाल जिले की कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। आज 4 मई को हमारे जिले में 2 केसेस कोरोना के पॉजिटिव आए हैं। इनमें से एक पृथ्वी विहार का रहने वाला है जो सब्जी विक्रेता यानी वेजिटेबल वेंडर का काम करता है, और दूसरा इंडिविजुअल रामनगर का है जो हमारे यहाँ ओपीडी में चेकअप कराने के लिए आया था और उसका कोरोना टेस्ट लेने पे पॉजिटिव पाया गया। इन दोनों का जो ट्रीटमेंट है वो चल रहा है और इनके जो रहने की जगह है उसको कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर करके और उसको सील करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। आज करनाल में चूंकि लॉकडाउन के तीसरे फेज में कुछ छूट दी गई थी तो मार्केट एरियाज में और बाकी सड़कों पर देखा गया कि कुछ जगह काफी भीड़ दिखाई दी। तो मेरा सबसे आग्रह रहेगा कि लॉकडाउन 3 का पालन करें और अति आवश्यक कार्य होने पे ही घर से बाहर निकलें, अदरवाइज लॉकडाउन का पालन करते हुए अपने घर में ही रहें। ये बड़ी ही सीरियस और गंभीर बीमारी है और बड़ी कंटेजियस भी है, इसलिए अगर हम इसमें थोड़ी सी भी चूक करेंगे तो बड़ा ज़्यादा खतरा उठाना पड़ सकता है। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ना ही अफवाहों पे ध्यान दें, लॉकडाउन का पालन करते रहें। प्रशासन आपको हर एक सुविधा अवेलेबल कराने के लिए 24 घंटे तत्पर है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। थर्मल स्क्रीनिंग से सबका टेम्परेचर चेक किया जाएगा और सभी से पूछा जाएगा किसी को खांसी जुकाम कोई सांस लेने में दिक्कत कोई किसी तरह की प्रॉब्लम है तो वो बताएं ताकि उनका कल्पना चावला में ले जाकर टेस्ट किया जा सके। तो 2 मामले आए हैं हमारे सामने, आज 2 मामले सामने आए हैं और जो इनको पेशेंट को है उसको जो उसके इमीडिएट कॉन्टैक्ट है जो उसके साथ रह रहे हैं उनको भी कल्पना चावला शुरू कराएंगे ताकि उनका टेस्ट करें। ये रामनगर का इलाका है। मैम दोनों को आदेश हॉस्पिटल लेके जाया जा रहा है या कल्पना चावला? आज ही हम व्यवस्था देख रहे थे कुछ पर्टिकुलर करण गेट मार्केट में ओडीवन की हमने व्यवस्था शुरू की है और बड़ी स्मूथ चली है। व्यापारी एसोसिएशन ने भी इसमें हमारा सहयोग दिया है, उनका भी आभार करना चाहूँगा। और आगे कुछ और एरियाज हम इसमें कवर करेंगे ताकि बहुत ज़्यादा भीड़ भी ना हो और लोगों को उचित सामग्री भी मिलती रहे। तो इससे हमारा लॉकडाउन के एनफोर्समेंट में हमारी ज़्यादा मदद मिलती है। सब लोगों के इसके लिए रोड पे करेंगे, गुड़बंदी में करेंगे और जैसे जैसे और जहाँ जहाँ भी हमें लगा कि ज़्यादा भीड़ हो रही है वहाँ पर हमें जैसे बाहनों को बंद करने की बात थी, चार को ये बाहनों से ज़्यादा जाम लगता है, भीड़ लगती है? हमने कुछ जगह बैरिकेडिंग लगाए हैं और जो व्हीकल्स हैं उनको वहीं पार्किंग के लिए कहा गया है। उसके बाद अगर किसी को हमारा पूरे कोरोना की लड़ाई में हमारा सहयोग देने का वादा किया है, मैं उसके लिए आभारी भी हूँ और मुझे भरोसा है कि सब लोगों के साथ ही हम जो है लॉकडाउन 3 एनफोर्समेंट में है। मेरा सबसे आग्रह रहेगा कि इसका पालन करें, ज़रूरी कार्य के लिए भी घर से बाहर निकलें और अगर 17 मई तक हम इसका पालन करते हैं तो काफ़ी हद तक हम इसको बचे। सब्जी मंडी को बंद कर दो मैडम, सब्जी मंडी। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lightning. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.